हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीटी रेसा। आज हम ये नवरात्रि स्पेशल लहंगा बनाना देखेंगे, जिसे मैंने जो रिमेनिंग फैब्रिक्स होते हैं हमारे पास में, कटआउट्स होते हैं, उनसे रेडी किया है। जो इसके नीचे का फॉल है वो मैंने जो बचे हुए कपड़े हैं उन्हीं से ही रेडी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैंने कुछ कटआउट्स लिए हैं जो हमारे पास में बचे हुए फैब्रिक्स होते हैं या फिर कोई ब्लाउज पीस होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, तो घेरे के लिए हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। लेस लिए हमने दोनों को बीच में से बॉन्ड करने के लिए, और ये वाइट फैब्रिक लिया है 4 मीटर, जिससे हम अपर पोर्शन कवर करेंगे लहंगे का। तो मेज़रमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, वेस्ट हमारी 34 है और लेंथ 41 इंच की। तो इस तरह से हमने फैब्रिक सेट करना है। यहाँ पर मैंने डबल फैब्रिक लिया है, दो लेयर है ये, एक साइड से जुड़ी हुई। इस तरह से हमने इसे सेट करना है। अब हम एक तरफ से इसे मोड़कर इसका ट्रायंगल बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। अब मेज़रमेंट लेंगे हम लहंगे के लिए। अपर पॉइंट जो है वो हम फिक्स रखेंगे और नीचे से हम 24 इंच पर मार्क करेंगे। तो अपर पॉइंट जो है वो हम फिक्स ही रखेंगे और टेप को घुमाते जाएंगे ऐसे, और 24 इंच पर हम मार्क करते जाएंगे। मार्किंग होने के बाद में हम एक कर्व लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम इसे कट भी कर लेते हैं। तो ये हो चुका है। तो ये हमने ऐसे ही, हमें 4 पार्ट लगेंगे ये लहंगा बनाने के लिए। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हाफ सर्कल फॉर्म होता है। तो ऐसे ही हाफ सर्कल हम 4 यूज़ करेंगे ये लहंगा पैटर्न बनाने के लिए। तो अब हम इसे फोल्ड करके रखते हैं। हमें वेस्ट लाइन कट करनी है लहंगे की, इसीलिए हम इसको डबल फोल्ड करके ऐसे रखेंगे। हम हमारे चारों के पीस यहाँ पे सेट करके रखेंगे और वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम ऊपर का पॉइंट फिक्स रखकर 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और एक कर्व शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। ये जो कर्व शेप है इसका मेज़रमेंट यहाँ पर हमारा 4.5 इंच आ रहा है, मतलब एक इसका पार्ट आएगा 4.5 के डबल, मतलब एक 9 इंच का आएगा। जो एक पोर्शन आएगा हाफ सर्कल का, तो वो 9 इंच आएगा। तो ये इसका 36 इंच का ये पूरा आएगा चारों भी पार्ट का। जब ये स्टिच होगा तो इसमें से 2 इंच कम होगा, तो हमें 34 इंच की हमारी वेस्ट मिलेगी। यहाँ पर ये चारों की पार्ट हम एक दूसरे से जॉइंट कर लेंगे। हमने स्टिच लगा लेना है, चारों को भी जॉइंट कर लेना है। अब हम लहंगे की बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने वेट ली है 3.5 इंच और लेंथ यहाँ पे 36 लेनी है। मैंने यहाँ पे 20 शो हो रहा है, लेकिन 36 ही चाहिए। जो कट होने के बाद में हमारा फैब्रिक आएगा वो आएगा 21 इंच का। ऊपर से इसमें 1.25 इंच की बेल्ट भी ऐड होगी। तो ये हमारा पूरा जो अपर पोर्शन रहेगा ये करीबन 21 इंच का आएगा। नीचे से हमें बेल्ट लगानी है, नीचे का घेरा लगाना है। तो उसके लिए हम मेज़रमेंट ले लेंगे। इंचेस में आ रहा है यहाँ पे 37 इंच। तो ये उरे में कट होता है, तो हम इसका जो बेल्ट आएगा ये एक पार्ट का जो करीब ये 1 मीटर का आता है। तो अगर ये डबल फोल्ड है तो ये 2 मीटर का रहेगा, मतलब एक पोर्शन के लिए हमें कम से कम 2 मीटर का फैब्रिक लगेगा। तो एक पार्ट के लिए यहाँ पे 2 मीटर आ रहा है, तो 4 पार्ट के लिए हमें 8 मीटर का घेरा लगेगा। तो नीचे का पूरा घेरा हमारा 8 मीटर का रहेगा। तो उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। नीचे का घेरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के कटआउट्स ले लेने हैं। जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो कलर्स आप इसमें यहाँ पर ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। घेरे के लिए हमने फैब्रिक कट करना है, तो हम कटआउट के लिए फैब्रिक लेंगे जिसकी विड्थ 8 इंच है और लेंथ 17 इंच। तो इसका हम रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे और एक रेक्टेंगल कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम डिफरेंट कलर्स के रेक्टेंगल्स बना लेंगे और इसको एक दूसरे के साथ में जोड़ लेंगे और इसकी एक बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के हमने कटआउट्स, डिफरेंट कलर्स के, जो भी ब्राइट हो, लाइट हो, कोई भी कलर्स हो, उनके हमने कटआउट्स बनाने हैं और इनको एक के साथ में एक हम जोड़ लेंगे और इसकी एक स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे पट्टी रेडी कर ली है। ऊपर से इसमें हम लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के बाद में ये और भी इसका लुक अच्छा लगेगा और ये एक हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऊपर से लेस लगानी है और ये जो पूरा बेल्ट बनेगा हमें, तो उसमें हम अंदर से लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने साड़ी का फैब्रिक लिया है। आपके पास में जो फैब्रिक हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो बेल्ट हमारा यहाँ पर आएगा ये पूरा 20 इंच का।
जब स्टिच होगा तो 20 इंच का आएगा। ये जो साड़ी है ये मैंने डबल फोल्ड कर ली है, तो ये डबल फोल्ड करके 22 इंच आ रहा है। तो ये साड़ी का मैंने बीच में से कट करके जो हमने बेल्ट बनाई है तो उसमें इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है, तो ये बेल्ट अलग से ही रेडी हुआ है। तो गोम सिलाई करके ऊपर से भी इसकी फिनिशिंग दे दी है हमने, तो ये हमारी बेल्ट यहाँ पे रेडी हो गई है। बेल्ट को हम अपर पार्ट के साथ में स्टिच कर लेंगे, जो हमारा अपर पोर्शन है लहंगे का वाइट, उसी के साथ में हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा अपर पोर्शन है, तो इसका कमर का बेल्ट अभी बनाने का है, वो भी हम बना लेंगे इसमें। और नीचे से हम ये जो घेरा है ये भी लगा लेंगे। तो जो घेरा है वो हमने एज इट इज़ जो हमारा अपर पोर्शन है उसके ऊपर रखना है और इसे आराम आराम से स्टिच करना है। कोई भी फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, बस इसके ऊपर एज इट इज़ इसको रखना है और स्टिच लगाते जाना है। क्योंकि जो अपर पोर्शन होता है वो उरेब में होता है, कर्व होता है, तो अगर आप उसको खींचते हो तो ये खींचता है, और तो इसीलिए आपने इसको आराम से स्टिच करना है। तो ये हमारा 8 मीटर घेरेदार लहंगा यहाँ पर रेडी है। कल मैंने 12 मीटर घेरेदार लहंगे का वीडियो अपलोड किया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी 16 मीटर घेरेदार लहंगे की, तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।